तो मैं फिर से वापस आ गया। तो आज हम लोग बेलियां मार रहे शहर में फ्रैंकलिन के साथ। पर अभी मैं अपनी नई ओड़ी पे घूम रहा था पर ना तभी मुझे कुछ स्ट्रेंज दिखा। चलो मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ना पास में एक मेंशन थी। अबे खुल जा, अभी तो खुल रहा था, अब क्यों नहीं खुल रहा है। अच्छा साइड से वो भी चले जाते हैं। पर ना इस मेंशन में रैंडमली आग लगी हुई थी बहुत ज्यादा। पता नहीं किसी ने दुश्मनी निकाली, सारी की सारी मेंशन को तबाह कर दिया किसी ने। भाई जिस बंदे का घर था वो तो पता नहीं कंगाल हो गया होगा बेचारा। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी सारा सूख गया है और यहाँ पे क्या कचरा सा पड़ा हुआ है। क्या अंदर जाने का रास्ता है क्या? यहाँ से हम लोग क्रिश बन के अंदर जा सकते हैं क्या? अंदर कोई है? किसी को मुझे बचाना है क्या? ओ शिट, नहीं 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 यार, ये गलती मैं आइंदा नहीं करूंगा। जल्दी से पानी में कूदो, पानी में, पानी में। थोड़ा सुकून मिला, आइंदा मैं कभी क्रिश बनने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ तो मैं कह रहा था, क्या मैं वाकई कुछ कह रहा था? ओ हाँ, हम लोग आज कार शोज विजिट करने वाले हैं क्योंकि हम लोग टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी सियान ढूंढ रहे हैं। अब शहर में किसी न किसी कार शो पे उसकी लैम्बोर्गिनी सियान या फिर उस जैसी कोई और कार हमें मिल जाए तो अपनी तो चांदी हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं अपनी ऑडी पे घूम रहा हूँ, मेरी नहीं है ये, भी चुराई है मैंने। तो अभी शहर में कार मीट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? टेंशन की क्या बात है यार, अपना दोस्त है ना लमार, उसको ऐसी बातों का पता होता है और मैंने उससे पूछ लिया है कार मीट कहाँ पे हो रहा है। अभी ना जल्दी से मेज बैंक एरिना चलते हैं। ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेज बैंक एरिना और यहाँ पे अगर कार मीट ना हो रहा हुआ ना। ओ नाइस, कितनी सारी कार्स। एक है माइकल खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलो माइकल, क्या तुम भी यहाँ पे कोई कार चुराने आए हो? अच्छा तो इसका कार मीट चल रहा है। क्या माइकल का कार मीट चल रहा है यार, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये भगवान क्या जुलुम है, इतनी सारी कार इसके पास कहाँ से आई आखिर? भाई चेक तो करो, तीन तीन टॉर्न बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, कितनी सारी क्लासिक सुपर कार्स भी। मसल कार्स तो छोड़ो, यहाँ पे तो सुपर कार्स की इतनी बड़ी कलेक्शन खड़ी हुई है पर फिर भी मुझे यहाँ पे अभी तक लैम्बोर्गिनी सियान नजर नहीं आई। माइकल के पास इतनी बड़ी कार कलेक्शन होने के बाद भी इसके पास लैम्बोर्गिनी सियान नहीं है तो क्या फायदा यार ऐसे कार शो का? यार हर कलर में एक बुगाटी रखनी जरूरी थी क्या? इसने तो लाइन गई हुई यहाँ पे। ये मैं कैसी जगह पे आ गया हूँ यार, यहाँ पे तो आके कार्स देख के ना मेरा दिमाग घूम रहा है। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं अभी सुपर कार्स के बीच एक रोल्स रॉयस क्या कर रही है, तो क्यूब कार है ना, तो इसको क्यूब्स में होना चाहिए। मुझे लगता है मेरा आइडिया ना काम करने वाला नहीं है। ऐसे फजूल में हम लोग सारे शहर के कार शोज विजिट करते रहेंगे और हमें टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी नहीं मिलेगी, तो उससे बेहतर आइडिया है मेरे पास, क्यों ना उसको कॉल कर ली जाए। हेलो टेक्नो गेमर्स भाई, यार अपनी लैम्बोर्गिनी तो दे दे यार। तुम्हारी ऐसी की तैसी, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरा दोबारा कॉल मिलाता हूँ इसे। नहीं देनी तो मत दे यार कार, बेइज्जती तो मत कर। फ्रैंकलिन की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं वो कार चुरा के रहूंगा। बड़ा प्रेसिडेंट, देख लेते हैं क्या प्रेसिडेंट है। अभी टेक्नो गेमर मुझे कह रहा है कि उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, अगर मेरे अंदर दम है तो मैं उसकी लैम्बोर्गिनी चुरा के दिखाऊं, क्योंकि वो अपनी लैम्बोर्गिनी व्हाइट हाउस में भिजवा रहा है और वहां पे तगड़ी सिक्योरिटी होगी। अब उस तगड़ी सिक्योरिटी के बीच में से हम लोगों को लैम्बोर्गिनी चुरा के आनी किसी भी तरह। काम यार मुश्किल है पर हम लोगों को किसी भी तरह करना है। ये किधर जा रहा है बे? खैर जा, कोई इज्जत ही नहीं रहेगी शहर में। जिसे देखो आगे से उतरना जरा बाइक से, भाई उतर तू जरा बाइक। अबे हेल्थ थोड़ी सी रहेगी मेरी। ये ले भाई, पिस्टल लेके घूम रहा था। अच्छा वह पिस्टल निकाली नहीं इसने, बाइक अच्छी है वैसे इसके पास। अच्छा तो अभी प्लान ही है कि हम लोग व्हाइट हाउस जाने वाले हैं, ठीक है बस यही प्लान है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पर उससे पहले तो मेरा दिल कह रहा है कि हम लोग अपनी बाइक पे ना थोड़े से स्टंट्स कर ले। तो यहाँ खुले रोड पे हम लोग स्टंट करेंगे कैसे? ये बाइक तो ठीक से व्हीली भी नहीं करती है, रुको इसे जरा व्हीली करवाते हैं। नाइस, कुछ ज्यादा ही व्हीली कर ली हमने। पुलिस वालों को क्या हुआ है? अच्छा वो रेड कार में कुछ क्रिमिनल्स जा रहे हैं। ओ यस, मेरे अंदर का हीरो जाग गया, आज पुलिस वालों की हेल्प करेंगे हम। किधर जा रहा है? इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता हूँ यार, टायर पंक्चर करने के बाद भी नहीं रुका। अच्छा अभी इसने तो मेरे पे फायरिंग स्टार्ट कर दी है। ओ शिट यार, मुझे बचाओ पुलिस वालों। थैंक यू। ये क्या मेरे पीछे पड़ गए हैं अभी ये? यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस इनकी मदद की है। ओ नाइस, एक बंदा आ गया पुलिस वालों। ओ शॉटगन, जल्दी निकलो। यार ये तो मेरा काम तमाम करने वाले थे। इस जगह पे कौन अपना दुश्मन पे? ओ एक सिक्योरिटी गार्ड, शिट। अबे जल्दी निकल फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है? हम लोग व्हाइट हाउस जाने वाले हैं, पर उससे पहले हम लोगों ने काफी सारी पुलिस अपने पीछे लगवा ली। अच्छा टू स्टार है, अभी पीछे छुड़वा लेते हैं। हट जाओ रास्ते से, क्या बकवास है ये, निकल, तुम लोग भी निकलो। यार अंधे तो नहीं होंगे सब लोग, क्या नशे करके निकले हैं आज सब के सब? वैसे मैंने किया क्या है? माइकल की सुपर बाइक डुबा दी है, यार मुझे तैर के वापस किनारे तक जाना पड़ेगा। वो पुलिस आ गई यहाँ पे, पानी के अंदर ही रहो बेहतर है। अभी किनारे तक तो मैं पहुंच जाऊंगा किसी तरह, पर अपने को एक गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भागने के लिए गाड़ी की जरूरत है। वो सामने पार्किंग लॉट है। ओ शिट पुलिस यार सामने से ही आ गए, क्यों डर रहा हूँ मैं? ये आ जाओ दे, बताता हूँ तुम लोगों को।
बस एक वांटी स्टार ही बढ़ेगा ना, जान तो छुड़वानी ही है मुझे इनसे। वो एक नाइस कार खड़ी हुई है यहाँ पे, हम इस पे ना जल्दी एस्केप कर सकते हैं। ओ शिट शिट जल्दी यार, फायरिंग हो रही है। मैं गया वे जल्दी निकल ले। ओ कितना बचाऊं यार, एंड लेवल से बचाऊं। अब बच ही गया तो इनके हाथ नहीं आने वाला मैं, अब ये लोग मुझे ढूंढते रह जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पुलिस को लूज कर दिया है, और मुझे फिर से एक स्टोर दिख गया था। अरे यार ये तो बंद है, और मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं पेट्रोल स्टेशन उड़ाने वाला हूं। मैगजीन खाली कर दी, इसको कुछ भी नहीं हुआ। नोजल पे मारता हूं। चलो यार चलो, व्हाइट हाउस ही चलो। बस जिस हिसाब से आज अपना दिन गुजर रहा है ना, लैम्बोर्गिनी की चोरी ठीक से हो जाए। ओके तो अभी हम लोग प्रेसिडेंट हाउस से बस पहुंचने ही वाले हैं। चल के देखते हैं कितनी की सिक्योरिटी है यहाँ पे। सिक्योरिटी का तो ऐसा मैं इलाज करूंगा ना आज। लैम्बोर्गिनी तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा ही, अब चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी हो यहाँ पे। अभी भाई इन्होंने तो रेंजर्स खड़े किए हुए यहाँ गेट पे, अब मैंने खुलेआम चैलेंज दिया हुआ है तो ये लोग मुझे तो पकड़ लेंगे। अब मुझे कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तो घुसना ही है हमें किसी भी तरह। यहाँ से मैं अपनी कार नीचे उतार लेता हूँ। अभी यार ये एक ऑफ रोड कार है तो नहीं, पर पता नहीं कैसे मैं इसको यहाँ पे मैनेज करके लेके जा रहा हूँ आगे। और यहाँ साइड से अंदर घुसने का पता नहीं मुझे कोई रास्ता मिलेगा भी कि नहीं। इस जगह से शायद अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी कार पार्क कर देता हूँ। अब बस मुझे इस कार के ऊपर चढ़ के अंदर घुसना है। ओ शिट रेंजर्स, पर भाई इन लोगों ने तो मेरे पे फायरिंग शुरू कर दी है। बचने का कोई चांस है क्या? कोई चांस है बचने का? वो लैम्बोर्गिनी सियान यहाँ पे खड़ी हुई, पर पहले मुझे सिक्योरिटी का कुछ करना था। अबे यार इतने सारे लोग यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं? वो इनका फायदा उठाता हूँ और इन्हीं में छुप जाता हूँ। अच्छा आइडिया है, लोगों की भीड़ में ही छुप जाते हैं। अबे यार यहाँ पे कितनी भीड़ है, ज़ॉम्बीज़ की तरह एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते आगे जा रहे हैं। अरे जाना कहाँ चाह रहे हैं? इसमें अपना एक फायदा हुआ कि वांटेड स्टार कम हो गए अपने। यार ये सारे लोग डर के खुदकुशी कर रहे हैं यहाँ से, ये पहाड़ क्रॉस करके शहर जाएंगे क्या सब? पर अभी फिलहाल इन बेवकूफ लोगों की वजह से अपना वांटेड लेवल कम हो गया है, मेरे पास अच्छा मौका है। मैंने जल्दी से, ओ मेरे पे शूटिंग कौन कर रहा है यहाँ पे? अबे यार वो रेंजर्स अभी भी मेरे पे शूटिंग कर रहे हैं। शिट, उन्होंने मुझे देख लिया। ओह नो, सिक्योरिटी गार्ड्स, रेंजर्स, और बाहर पुलिस भी खड़ी हुई है। भाई मुझे नहीं लगता ये कार सर्वाइव करेगी यहाँ पे, ये लोग तो फायरिंग करके इस कार की ऐसी की तैसी कर देंगे। भाई किसी तरह मुझे बाहर जाना। यार कोई बात है करने वाली, रास्ता भी बंद किया। भाई ये तो चीटिंग है यार, मुझे जल्दी से कुछ और रास्ता सोचना ही पड़ना, नहीं तो रेंजर्स ने मेरा काम तमाम कर देना यहाँ पे। भाई इस साइड जाने के भी सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। जोर की टक्कर ना शायद इन बैरियर्स को तोड़ दे, पर मुझे ये ट्राई करना ही पड़ेगा। ओ नाइस, बैरियर टूट गए, बस कार निकल जाए। अभी यार ये तो फंस गई यहाँ पे। अभी मुझे ना अपनी ड्राइविंग के स्किल्स दिखा के कार यहाँ से निकालनी पड़ेगी किसी तरह। ओ नाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं आसानी से। रेंजर्स तुम लोगों को तो गुड बाय कह दिया। अच्छा खासा स्टंट था, मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग ये कार चुरा पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अपना बैड लक चल रहा है, ये तो आज ईद हो गई अपनी कि अपने टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी लग चुकी है। मैं जल्दी से चल के ना इस कार को मॉडिफाई करवा लेता हूँ। उसके लिए हम लोगों को LS कस्टम्स पे जाना पड़ेगा। पर पहले ये कार यार बहुत ज्यादा तेज है, मैं क्यों नूबड़ों की तरह ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेता हूँ। ओके LS कस्टम्स पे पहुंच आए हम लोग। जल्दी 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 से मॉडिफाई करवा लेते हैं कार को, आर्मर फुल करवा लेते हैं, ब्रेक्स भी फुल, इंजन भी। यार ये कार मॉडिफाइड नहीं थी क्या? कि वाकई टेक्नो गेमर्स की है ना, क्योंकि इस पे तो हर चीज मैं अपग्रेड करवा रहा हूँ, पेंट यही रहने देते हैं। मजे का है। खैर मैं जब लेके निकलूंगा लोगों को पता तो चले कि मैं टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी चुराई है। अब आएगा ना मजा। अब जरा इसकी स्पीड चेक करते हैं, बस मुझे कोई ऐसा रोड मिल जाए खाली जहाँ पे मैं इसकी स्पीड चेक कर सकूँ, क्योंकि मैं पहले भी इसको काफी तेज भगा रहा हूँ, पर ये रोड पे मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। बच गए, इतनी ट्रैफिक हो गई है यार। ठीक है तो अभी इसी रोड पे ना मैं इसको फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ, देखी जाएगी। ओ 240 क्रॉस कर गई थी यार, स्पीड देखने के चक्कर में अपना एक्सीडेंट हो गया। ओके तो हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, और यहाँ पे मैं इसको भगा के अब चेक करने वाला हूँ कि कार कितनी ज्यादा तेज भागती है। 240 तक तो मैंने इस कार को देखा है, पर मुझे 240 से भी ऊपर लेके जाना है। इतने बड़े बड़े टर्न्स आ रहे हैं, एक तो मैं इस कार को ना अब ठोकना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने काफी पैसे लगा के इसको मॉडिफाई करवाया। अभी फिलहाल अपनी कार 390 अबव चली गई थी, मतलब कि 400 क्रॉस कर सकती है क्या? और इतनी स्पीड से मैं इसे भगाऊंगा कहाँ पे? हाईवे पे तो अपना एक्सीडेंट होते होते बचा। अभी मुझे इस कार के साथ काफी सारी रेसेस करनी है, ऐसे थोड़ी तबाह कर दूंगा मैं। हाँ पर रेसेस के बाद का पता नहीं। तो गाइस कैसी लगी है तुम्हें आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक भी कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।